अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 18 है, इफ़ एफ ऑफ एस इक्वल टू 10s + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 and f1s1। फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपने f1 की वैल्यू फाइंड करनी है और f1s1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, एफ एस लिख रहे हैं आप, एफ एस इक्वल हो क्या 10s + 5। पहले f1 फाइंड करना है, f1 आपने फाइंड करना है। तो क्या करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट s इक्वल 1। फंक्शन में s को 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, f s को 1 लिख दिया, ये 10 और एस के बजाय क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस 5। 10 वन का कितने होते हैं, 10 + 5 = 15। फिर f-1 फाइंड करना है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे s = -1। इसमें s को -1 पुट कर देंगे, f s के बजाय क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, -1 10। तो फिर s को क्या लिख देना, -1 लिख देना है, प्लस क्या है 5 है, 10 - 1 + 5। तो 10 का -1 से मल्टीप्लाई करें, -10 + 5 कितना आएगा, -5। बस इतना सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसी तरह का सवाल है, f(x) = s² + 3। यह फंक्शन है, फिर आपने फाइंड करना है, फाइंड f2 फाइंड करना है और f3 हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, f(x) = s² + 3। ठीक है, पहले f2 फाइंड करना है, तो f2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट s = 2। इसमें s को 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर + 3, ये हो जाएगा f, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर + 3, 2 स्क्वायर + 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 + 3 = कितना है, 4 + 3 = 7। फिर f(3) फाइंड करना है, f(3) फाइंड करने के लिए पुट कर देंगे s = 3, यहाँ पर s को 3 पुट कर दें, f(3) बन जाएगा, f(3) = 3² + 3, 3 का स्क्वायर + 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9+3 = 12। क्वेश्चन नंबर है 20, फंक्शन है f(x) = या x/s+1, फाइंड करना है f-2 फाइंड करना है, f-2 फाइंड करना है, क्या करेंगे, इसको पुट कर दें, पुट s = एस को -2 पुट कर दें, इसमें यहाँ पर ये बन गया एफ, एस को -2 लिख दिया, -2 = ये -2 हो गया, ये -2 + 1 कितना होता है, -1 - 5 से काट दिएगा, 2/1 कितना आएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, z = s² - y², फिर जेड फाइंड करना है, जेड आपने क्या करना है, फाइंड करना है, वैन s = 1, y = 5। ये फंक्शन दिया z = s² - 1, जेड के लिए फाइंड करनी है, वैन s = 1, y = 5। तो इसमें s का 1 पुट कर दें, y का 5 पुट कर दें, तो सोल्यूशन इसका z = s² = 1 लिख देते हैं, 1² और y को 5 लिख देते हैं, 5² तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 = -24। ये आपका आंसर आ गया। पेज नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में गया f(x) = f(x)
is equal to SK minus 4. To find out the value of F4, F4 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड F ऑफ स्केयर रूट ऑफ 2 ये हमने फाइंड करना है. सॉल्यूशन इसका F ऑफ S इक्वल टू एस स्केयर माइनस 4. पहले F4 फाइंड करना है, पुट कर दें, पुट S इक्वल टू 4. ये मानिए F4 इज इक्वल टू 4 स्केयर माइनस 4. फोकस किया कितना होता है 16. 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12. फिर हमने एफ स्केयर रूट 2 फाइंड करना है, फिर पुट कर देंगे, पुट एस इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2. इसमें एस को पुट कर दें, एफ ऑफ एस को क्या लिख देंगे स्केयर रूट ऑफ 2, फिर स्केयर रूट ऑफ 2 और इसका स्केयर, फिर माइनस 4. ये इसके साथ काटिएगा 2 या 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4. क्वेश्चन नंबर 23. एफ वाई इज इक्वल टू 3s प्लस 4. 3s प्लस 4 टू फाइंड वाई, क्या करना है फाइंड वाई फॉर s इक्वल टू 0 1. s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1. सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 3s प्लस 4, ठीक है, फॉर s इक्वल टू 0, पहले फॉर s इक्वल टू 0, तो इसमें y इज इक्वल टू 3, s को 0 पुट कर देंगे, प्लस 4, 3 इंटू 0 कितना होता है 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 4, फिर फॉर एस इक्वल टू 1, अब इसका 1 पुट कर दें यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 वन ज 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. क्वेश्चन नंबर 24. आपको दिया वाई इज इक्वल टू 40, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 4s. तो फाइंड, अब इसमें देखें क्या करना है, फाइंड एस फाइंड करना है व्हेन वाई इज इक्वल टू माइनस 4. इसमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन वाई इज इक्वल टू माइनस 4. कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 4s. इसमें वाई का माइनस 4 पुट करना है, पुट कर देंगे, पुट वाई इज इक्वल टू माइनस 4. ये माइनस 4 बन जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 40 माइनस 4s. 4s को इधर ले आएंगे, माइनस 4 को इधर ले आएंगे, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 4s है इधर का प्लस 4s हो गया, 40 माइनस 4 है इधर का प्लस 4 हो गया. 4s इक्वल टू 40 प्लस 4 कितना आ गया 44. 4 के साथ डिवाइड कर दें, 4s ओवर 4 इज इक्वल टू 44 ओवर 4. 4 कर लिया, 4 वन ज 4, 4 वन ज 4, एस इक्वल टू 11 आ गया. 24 के बाद 25. क्वेश्चन नंबर 25 में एफ एस इक्वल टू 2s प्लस 1. तो फाइंड करना एफ माइनस 4 एम 3, फाइंड करना एफ माइनस 4 एंड एफ, ये फाइंड करना. सॉल्यूशन इसका एफ ऑफ एस इक्वल टू 2s प्लस 1. पहले एफ माइनस 4 फाइंड करना, तो क्या करेंगे पुट कर लेंगे, पुट एस इक्वल टू माइनस 4. इसमें एस का माइनस 4 पुट कर दें, एफ ऑफ माइनस 4 इज इक्वल 2 इंटू माइनस 4 प्लस 1, ये कितना आएगा माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7. फिर आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ 3 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू गया 2s प्लस 1 है और एफ 3 आपने फाइंड करना है, क्या करेंगे पुट कर देंगे एस इक्वल टू 3. इसमें एस को 3 पुट कर दें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल 2 इंटू 3
प्लस वन, टू थ्री इज़ सिक्स, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। क्वेश्चन नंबर 26, तो जी यू, जी ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू, यू स्क्वायर प्लस यू फाइंड करना है जी टू बी और जी माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका जी ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू जी ऑफ टू भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, यू को पुट कर देंगे टू भी, यू इज इक्वल टू, ठीक है, जी यू दिया हुआ है, तो जी टू भी फाइंड करना है, तो यू को पुट कर देंगे टू भी, यहाँ पर जी यू को क्या लिखना है टू भी, तो यू को लिखना है टू भी, टू भी स्क्वायर यू को लिखते हैं टू भी, टू भी का स्क्वायर कितना है, टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर भी स्क्वायर प्लस टू भी, तो इसमें टू भी का अमा भी ले सकते हैं, टू भी का अमा ले लें, लेकिन टू भी प्लस वन, ठीक है, ऐसा भी ठीक है कॉन्सेप्ट, टू भी या का अमा लें फिर भी आपको ठीक है, फिर आपको जी यू इज इक्वल टू क्या है, जू स्क्वायर प्लस क्यू फाइंड करना है हमने, जी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, अब यू को क्या पुट कर दें, माइनस एस पुट कर दें, यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें यू को माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिए भाई, जी यू को लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यू को लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर है, यू को माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर ऊपर इसका स्क्वायर है प्लस, फिर यू को लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस एक खत्म आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना आता है, टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू है फोर, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस एस के, इसमें से एस के कामा ले सकते हैं, अगर एस के कामा ले लें तो एस के पावर टू रह जाएगी, ये माइनस वन हो जाएगा। ये 26 था। क्वेश्चन नंबर 27, 27 है एफ ऑफ एस इक्वल टू एस फोर, एस के पावर फोर है माइनस एस के आर प्लस थ्री, एस के आर प्लस थ्री फाइंड करना है, फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। जी एफ ऑफ एस इक्वल टू एस फोर माइनस एस स्क्वायर प्लस थ्री, क्या पुट करेंगे हम, पुट करेंगे एस इक्वल इसको क्या पुट करना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये फाइंड करने के लिए एस का पुट कर दें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, इसमें एफ एस को लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू और इसके फोर, फिर माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू पावर इसके टू, फिर प्लस थ्री, ये पावर फोर है, जब पावर फोर है तो माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है, एक क्या लिखेंगे टू, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कितनी पावर होती है, वन नंबर टू होता है, स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इसको वन नंबर टू लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाई, ये दो पावर्स हैं, एक ये वाली पावर है दूसरी ये वाली पावर है, दो पावर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला माइनस लिख दिया, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, इस टू का स्क्वायर रूट है, जब इसका स्क्वायर लेंगे ये इसके साथ काट जाएगा तो टू आ जाएगा प्लस थ्री, टू के टू टू से फोर, ये क्या होगा टू के पावर टू माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट प्लस थ्री, टू के पावर टू कितना होता है फोर होता है, फोर माइनस टू प्लस थ्री, फोर में से टू माइनस किया कितना आ गया टू, टू प्लस थ्री कितना आ गया फाइव, ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 28 करना है, क्वेश्चन नंबर 28 जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो ये दिया है आपने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू पुट करना है, इसको आपने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू पावर फोर, ये माइनस लगाया फिर इसका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू फिर स्क्वायर फिर प्लस थ्री,
तो इसमें प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 28 है, एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस थ्री। तो फाइंड करना हमें फाइंड एस जीरो एंड एस फिर हमें फाइंड करना है फाइंड एफ एक्स वन एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू। सॉल्यूशन इसका एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस थ्री। पहले पुट कर देंगे, पुट कर दें एस इक्वल टू जीरो पहली बार, ये एफ जीरो हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर टू इंटू जीरो प्लस थ्री, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री इक्वल टू थ्री हो गया। फिर हमने फाइंड करना एट एस पोर्ट करेंगे एस इक्वल टू, पहले एस इक्वल जीरो पोर्ट किया, पोर्ट करेगा एस इक्वल टू, तो यहाँ पर एस का टू पोर्ट कर दें एफ टू, ये बन जाएगा एफ टू, ये टू का स्क्वायर हो गया टू इंटू टू प्लस थ्री, टू इंटू टू प्लस थ्री। टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है, फोर माइनस फोर प्लस थ्री, ये कट गया इक्वल टू थ्री आंसर आ गया। फिर 29 है, एफ एस इक्वल टू टू एस प्लस थ्री। फाइंड करना है एफ जीरो ओवर एफ माइनस वन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका एफ ऑफ एस इक्वल टू टू एस प्लस थ्री। तो एफ जीरो फाइंड करना है, क्या करेंगे पोर्ट कर देंगे एस इक्वल टू जीरो, इसमें एस को जीरो पोर्ट कर लें, एफ जीरो इज इक्वल टू टू इंटू जीरो प्लस थ्री, टू इंटू जीरो जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। फिर एफ माइनस वन पोर्ट करें, पोर्ट कर देंगे एस इक्वल टू माइनस वन, पोर्ट एस इक्वल टू माइनस वन, ये एफ एस को माइनस वन पोर्ट कर दिया, टू एस है टू एस को माइनस वन प्लस थ्री, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस वन। 29 हो गया। एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस ओवर एस प्लस वन। फाइंड करना है एफ माइनस टू और एफ वन, फाइंड एफ माइनस टू एंड एफ वन, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस ओवर एस प्लस वन, एफ माइनस टू फाइंड करना है, क्या करेंगे पुट कर देंगे एस इक्वल टू माइनस टू, पुट एस इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना होता है माइनस वन, माइनस वन से कट गया टू और टू इज इक्वल टू वन हो गया, टू हो गया। फिर एफ वन फाइंड करना है, तो क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे एस इक्वल टू वन, यहाँ पर एफ वन ये वन ओवर वन प्लस वन, वन ओवर वन प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर टू। क्वेश्चन नंबर 31, 31 है, एफ ऑफ एस इक्वल टू टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस फोर, टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस फोर। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ माइनस थ्री एंड एफ ऑफ वन नंबर टू, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन एफ ऑफ एस इक्वल टू टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस फोर, एफ माइनस थ्री फाइंड करना है, क्या करेंगे पुट कर देंगे एस इक्वल टू माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री
टू, ये टू आ गया, इसका माइनस थ्री पुट कर दिया, ऊपर इसका स्क्वायर है, ये माइनस साइन लगाया, इसका फिर माइनस थ्री पुट कर दिया, ये प्लस फोर, टू इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो गया, थ्री प्लस फोर, टू नाइन का कितने हो गया एटीन, प्लस थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन हो गया, एटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फाइव। फिर हमें क्या करना, फिर दोबारा एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या है, टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस फोर है, तो हमें फाइंड करना है एफ वन नंबर टू, हमने फाइंड करना है एफ एस इक्वल क्या करेंगे, पुट करेंगे एस इक्वल टू वन नंबर टू, अब पुट कर दें, पुट एस इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ एस का वन नंबर टू लिख देंगे, वन नंबर टू टू, फिर एस का वन नंबर टू लिखा उसका स्क्वायर, फिर एस का वन नंबर टू प्लस फोर, टू वन नंबर टू, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन नंबर टू प्लस फोर, ये टू टू या फोर, ऊपर वन नंबर टू हो गया वन वन नंबर टू, माइनस वन नंबर टू प्लस फोर, इसके साथ कट गया, फोर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 32, तो एफ एस इक्वल टू एफ एस इक्वल टू के 32 में माइनस टू एस प्लस फोर, माइनस टू एस प्लस फोर, तो फाइंड करना है, फाइंड करना है एफ माइनस वन नंबर टू एंड एफ फाइव बाई टू एंड एफ फाइव ओवर टू। सोल्यूशन एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस टू एस प्लस फोर, तो पहले एफ माइनस वन बाई टू फाइंड करना है, ठीक है, एफ माइनस वन बाई टू हमें फाइंड करना है, पुट कर दें, पुट कर दें एस इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, एस एस की वैल्यू है तो क्या बन जाएगा एफ माइनस वन बाई टू, ये माइनस टू लिखा फिर इसको लिख दिया माइनस वन बाई टू प्लस फोर, टू टू से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव। फिर एफ एस इक्वल टू माइनस टू एस प्लस फोर, फाइंड करना है एफ फाइव ओवर टू, हमने फाइंड करना है क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट एस इक्वल टू फाइव ओवर टू, एस इक्वल टू फाइव ओवर एस की वैल्यू है, ये क्या बन जाएगा एफ फाइव ओवर टू इज इक्वल टू माइनस टू, और एस को लिखते हैं फाइव ओवर टू प्लस फोर, टू टू के साथ कट गया, माइनस फाइव हो गया, माइनस फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस वन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आपने खुद करना है, तो फाइंड द क्वांटिटी डिमांड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ क्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 34 है, 33 आपने खुद करना है, खुद करना है, ठीक है, ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस टू पी, तो क्यू का चीज़ है ये डिमांड है, पी का चीज़ है सप्लाई है, ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी डिमांड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन प्राइस पी इज इक्वल टू फाइव, व्हेन पी इज इक्वल टू फाइव एंड टेन, तो क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, व्हेन पी इज इक्वल टू फाइव एंड टेन, पहले पी को फाइव पुट करेंगे यहाँ पर, पी को टेन पुट करेंगे यहाँ पर, सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, क्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस प्राइस हमें फाइंड करनी है, सॉरी क्यू हमें डिमांड फाइंड करनी है, पुट कर लें, पुट पी इज इक्वल टू फाइव, पी इज इक्वल टू फाइव, तो क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस टू, पी को फाइव पुट कर दिया, फाइव प्लस टू फाइव था टेन, तो फाइव प्लस टेन कितना होता है फिफ्टीन, फिर पुट करेंगे पी की दूसरी वैल्यू टेन है, पी इज इक्वल टू टेन, इसमें पी को टेन पुट कर दें, क्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस टू इंटू टेन, फाइव प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, 35
एच एस, एच एस इज इक्वल टू क्या है, एस स्क्वायर माइनस वन। तो इसका दो पार्ट है, एक पार्ट आपने खुद करना है, दूसरा पार्ट का मैं करता हूँ। एच स्क्वायर रूट ऑफ टू आपने फाइंड करना है, ठीक है। एच एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस वन, एच स्क्वायर रूट ऑफ टू आपने फाइंड क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट एस है ना, एस इक्वल क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टू। इसमें एच एस का पुट करना है स्क्वायर रूट ऑफ टू पुट कर, तो क्या बन जाएगा, एच एस को लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू, एस को स्क्वायर रूट ऑफ टू, इसका स्क्वायर माइनस फोर, ये इसके साथ कट गया, टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 37, तो 36 क्वेश्चन नंबर 36 और 37 ये भी आपका टेस्ट है, आपने खुद करने हैं। 36 37 आप समझे कि आपका टेस्ट है, आपने खुद करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये एफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी एस, एस स्क्वायर प्लस सी एस माइनस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस फोर। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ ज़ीरो। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, पुट कर देंगे एस इक्वल ज़ीरो, पुट कर दें एस इक्वल एफ ज़ीरो फाइंड करना है, तो एस को ज़ीरो पुट कर दें, ये क्या आएगा एफ ज़ीरो, ये ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो प्लस थ्री इंटू ज़ीरो माइनस टू डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस फोर। तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो प्लस फोर फोर, तो ये माइनस टू ओवर फोर हो गया, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, माइनस वन ओवर। फिर 39 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 39 आपने खुद करना है, 39 ये आपका टेस्ट है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड एफ एक्स, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है सवाल, फाइंड एफ एक्स, एफ एक्स फाइंड करना है इफ एफ ऑफ एस माइनस वन, एफ ऑफ एस माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एस की है प्लस टू एस माइनस फाइव प्लस 2s माइनस फाइव। इस पे क्या दिया है, एफ ऑफ एस माइनस वन दिया है इक्वल टू थ्री एस के प्लस टू एस माइनस फाइव। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना, एफ ऑफ एस फाइंड करना, यानी जो s माइनस वन है इसका हमने क्या पुट करना है, s पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका पुट कर दें, इसमें पुट कर दें एस माइनस वन इज इक्वल टू इवन जो एक्स है इसको कैपिटल एस लिख लें, कैपिटल एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस वन है उधर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, एस प्लस वन। ये जो स्मॉल एक्स है इसको क्या पुट कर देंगे, कैपिटल एस प्लस वन पुट कर देंगे, इसमें क्या बन जाएगा एफ, एस को हम क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस वन, कैपिटल एस प्लस वन, ये वाला माइनस वन, ये थ्री, फिर एस को लिखते हैं एस प्लस वन, इसका स्क्वायर टू इंटू एस प्लस वन प्लस फाइव। तो हमने क्या किया, ये एस माइनस वन है इसका रिपोर्ट कर दिया कैपिटल एस, बड़ा एक्स कैपिटल एस, ये माइनस वन इधर आ गया, स्मॉल एस इक्वल टू कैपिटल एस प्लस वन, इसमें एस को लिख दिया एस प्लस वन, ये माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, एस को लिख दिया कैपिटल एस प्लस वन स्क्वायर टू कैपिटल एस प्लस वन प्लस फाइव। ये प्लस वन माइनस वन देखे काटिए गए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर ये वाला 40 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये थ्री वैसे लिख दें, इसका स्क्वायर खोल दें, इसका एस प्लस वन का स्क्वायर खोल देना, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे
एस माइनस वन, ये माइनस फाइव है, माइनस फाइव ही है। फिर इसका स्केयर खोल दें, स्केयर खोलने से क्या होगा, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये वाला ए है, ये वाला बी है, प्लस टू इंटू कितना हो जाएगा, टू इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू एस हो जाएगा, प्लस टू वन सर टू, ये माइनस फाइव, थ्री इंटू क्या हो जाएगा, एस स्केयर, वन का स्केयर वन होता है, टू वन सर टू, टू एस हो गया, टू एस प्लस ये हो गया टू एक्स, तो टू माइनस फाइव कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, टू में से फाइव माइनस किया, माइनस थ्री हो गया। अब इनको थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री एस स्केयर, थ्री वन सर थ्री, थ्री टू सर सिक्स एस, प्लस टू एस माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री काटिएंगे, तो थ्री एस स्केयर प्लस सिक्स एस प्लस टू एस कितना हो गया, एट एस, ठीक है, यहाँ फर्क ऐसा आ गया। अब अपवर्ड कर दें, जो बड़ा एक्स है उसको छोटा एक्स कर दें, कैपिटल एस इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एस को स्मॉल एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू ये थ्री एस किया प्लस एट एस, बस इसमें जो कैपिटल एस का स्मॉल एस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, थ्री एस के प्लस एट एस। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसका आपने दो तीन चार दफ़ा करना है, जो क्वेश्चन मुश्किल होता है ना उसका आप तीन चार दफ़ा किया करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को आपने कितनी दफ़ा करना है, पाँच दफ़ा करना है, या आपको टेस्ट जो असाइनमेंट किया आपकी होमवर्क किया इसको पाँच दफ़ा करना है आपने, जब पाँच दफ़ा करेंगे तो फिर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको याद भी रहेगा बोलने का नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 खुद करना है, 42 करता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन 41 खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 41 खुद करना है आपने, ये आपका टेस्ट है, ये 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, ये अच्छा सवाल है, ये करते हैं हम 42, 42 देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन, फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच कह लिया आपने, फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 42 में, तो कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे यूं करके, पुट कर दें, अब पुट कर लेंगे जो एक्स है उसको क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच पुट कर लेंगे, ऐसे ही कर लो, ए प्लस एच पुट कर दें इसमें, एफ ऑफ इसको ए प्लस एच पुट कर दिया, एस को फिर पुट कर देंगे ए प्लस एच, और इसका स्केयर हो गया टू, ये एक्स है, ये वाला एक्स, फिर एस को पुट कर दें ए प्लस एच, ए प्लस एच ए प्लस वन, तो हमने एफ एस दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो क्या करेंगे, एस को पुट कर देंगे ए प्लस एच, ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एस ए प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स को फिर ए प्लस एच, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका स्केयर खोल दें ए प्लस बी वाला फार्मूला, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू ए एच, टू से मल्टीप्लाई कर दें टू ए माइनस टू एच प्लस वन, अब ये देखिए सारे डिफरेंट है, ये सारे डिफरेंट है, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 है एफ ऑफ एस इक्वल या थ्री एस माइनस फोर, फाइंड करना है एफ टू और एफ जीरो, एफ टू फाइंड करना है, एफ जीरो फाइंड करना है, सोल्यूशन इसका एफ ऑफ एस इक्वल टू थ्री एस माइनस फोर, तो एफ टू फाइंड करना है, रिपोर्ट कर दें इसमें एस इक्वल टू एफ टू फाइंड कर लेंगे, एस को टू पुट कर दें इसमें, क्या बनेगा एफ टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस फोर, इसका स्केयर रूट थ्री इंटू सिक्स माइनस फोर,
तो उसका स्केयर होगा। फिर एफ एफ एस ये हमारे पास 3s-4 है। अब हमने एफ ज़ीरो फाइंड करना है, पुट कर दें एस इक्वल टू ज़ीरो, ये बन गया एफ ज़ीरो इज इक्वल 3 × 0 − 4। तो 3 × 0 कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, 0 − 4। तो 0 − 4 कितना होता है, −4। इसको हमने ऐसे रहने दिया, माइनस आ गया ना तो इसको हमने ऐसे रहने देना है। क्वेश्चन नंबर है 44 आपने खुद करना है, ये आपकी टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एफ एस इक्वल टू एस की पावर 4 − s² + 3। तो फाइंड आपने करना है एफ स्केयर रूट ऑफ −2, ये आपने फाइंड करना है। तो पुट कर दें एस इक्वल −√2, एफ एस को लिखते हैं −√2, एस को लिखते हैं −√2 और इसके 4 − s को लिखते हैं −√2² + 3। इस क्वेश्चन के आपने 5 दफ़ा करना है, पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 2 के बाद कितनी है, ये कितनी पावर है 1/2, ये मल्टीपाई है दूसरी पावर 4, दो पावर आपस में मल्टीपाई होती है, इसको 1/2 है, ये 4 है, इनको आपस में मल्टीपाई कर माइनस, फिर माइनस स्केयर है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, ये स्केयर रूट 2 रह गया, स्केयर प्लस 3, ये जो माइनस साइन है इसके वजह से ख़त्म हो गया, 2 × 2 = 4, 2 की पावर 2 होगी, माइनस ये स्केयर इसके साथ काटिएगा 2 हो गया प्लस 3, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 −2 + 3, 4 − 2 = 2 + 3, इसका भी आपने 5 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके क्लियर हो जाए और आप वो बोले नहीं जान रहे। तो ऐसे 4.1 कंप्लीट होगी इसके 4 क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।